नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज फिर मैं शबनम की बात करने वाली हूँ। आप सभी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ, सभी का खैर मकदम करती हूँ। और मैं अपनी बात शबनम से शुरू करती हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये कहा था कि शबनम के बारे में बात क्यों ना की जाए, तो उस पर मुझे बहुत सारे लोगों ने अपनी राय दी है, जिनमें अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 99% लोगों ने ये कहा है कि वो शबनम के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। एक कमेंट है, उसका मैं खास तौर पे आपके सामने जिक्र करना चाहूंगी। दिनाली कुरैशी, इन्होंने ये कहा है कि कौर साहिबा, मैं ये बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि एक महिला एक साथ सात कत्ल नहीं कर सकती। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और आप शबनम के बारे में बात शेयर करती रहें। आगे इन्होंने जो लिखा है वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, थोड़ी उसकी भाषा आपको अच्छी नहीं लगेगी सुनने में। महक फाउंडेशन ने एक बहुत ही वाजिब बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारी कानून व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं। जो लोअर कोर्ट में डिसाइड होता है, मीन्स जो जिस शहर में अपराध होता है, उस शहर की जो अदालत होती है जहां सारे सबूत इकट्ठे होते हैं, जो लोअर कोर्ट डिसाइड करता है, वही फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में आधार बन जाता है। और यही कमी है, कानूनी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। और क्योंकि ऐसी ही कमियों की वजह से बहुत सारे निर्दोष लोग जेल में बंद हैं। आगे वो लिखती हैं कि हम आपके साथ हैं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है जुर्म। जुर्म कोई और करता है और सजा कोई और भुगतता है। अब मैं बात करती हूँ जो आपसे आज करना चाह रही हूँ। शबनम को, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन उनकी फांसी की सजा पे फिलहाल बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि शबनम और उसके बेटे ताज की दया याचिका जो है वो राष्ट्रपति पहले ही खारिज कर चुके हैं, जिसके बाद शबनम ने यूपी के राज्यपाल के पास अपनी मर्सी पटिशन डाली है। इधर रामपुर जेल के जो अधीक्षक हैं, उन्होंने अमरोहा कोर्ट से शबनम का जो डेथ वारंट मांगा था वो भी अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो चीजों में स्पीड नाम की कोई चीज नहीं है। इससे भी खास ये है कि अब जो सजा है उसको एग्जीक्यूट करने में न जाने अभी कितने साल लगने वाले हैं, कोई नहीं जानता, क्योंकि फिलहाल पूरा सरकारी अमला जो है कोरोना से जूझने में लगा हुआ है। ये दौर ही ऐसा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, तो जाहिर सी बात है सरकारी अमला पूरा उसमें लगा हुआ है। सजा तो दूर की बात है, सजा याफ्ता कैदी जो है उनकी सलामती के लिए जेल प्रशासन को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, उनके घोड़े खुले हुए हैं कि कहीं कोई जो बंदी है उसको कोरोना ना हो जाए, वो कोरोना की चपेट में ना आ जाए। हालांकि अभी कोरोना के केसेस में काफी कमी आ गई है, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, और ये लहर अगस्त में बताई जा रही है। चलिए ऐसा कुछ भी ना हो कि तीसरी लहर कभी ना आए कोरोना की, क्योंकि कोरोना ने भी बहुत परेशान किया लोगों को। इसके बाद विधानसभा चुनाव जो है वो सामने आ जाएंगे, तो शबनम और सलीम की सजा को एग्जीक्यूट करना और भी दिक्कत भरा काम हो जाएगा। और बरेली जेल में ये चर्चा भी है कि फांसी की सजा तो अब होने वाली नहीं है, मतलब वहां यहाँ तक बात होती है कि फांसी की सजा तो अब होने वाली नहीं है। अभी तक तो हम ये सुन रहे थे कि सलीम खुल के ये वाली बात कह रहा है कि भारत में फांसी कोई इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन अब बरेली जेल में भी
ये चर्चा हो रही है कि फांसी की सजा जो है अब होने से रही, क्योंकि जो स्थिति बन रही है। इसके अलावा उनकी चर्चा में एक चीज और शामिल होती है, क्योंकि जैसा शबनम का अपराध है ठीक वैसा ही एक अपराध हरियाणा में सोनिया संजीव कर चुके हैं, और उनकी सजा को एग्जीक्यूट करने में इतनी पेंडेंसी हो जाती है, इतनी लंबी हो जाती है कि फाइल इधर से उधर जा रही है, इतने में जो है काफी साल गुजर जाते हैं, और थक हार के इस पर फिर ये डिसीजन दिया जाता है कि इनकी फांसी नहीं, इनको उम्र कैद की जाए। माने जो फांसी की सजा थी वो उम्र कैद में तब्दील हो जाती है। तो ये स्थिति बनती जा रही है यहाँ भी। अब आप जानना चाहेंगे कि शबनम का मामला क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि बावनखेड़ी में 14 और 15 अप्रैल 2008 की एक रात में प्रेमी संघ शबनम ने अपने परिवार के 7 सदस्यों की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी थी। और अभी मैंने आपको एक कमेंट भी सुनाया था पढ़ के, जो लोग आए दिन करते रहते हैं, कि एक महिला, एक लड़की जो है ये कत्ल नहीं कर सकती। मैं उस कमेंट को एंडोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि कोर्ट ने इनको सजा सुनाई हुई है, लेकिन जो बातें होती हैं वो बातें सबके सामने रखी भी जाती हैं। और इसके बाद हत्या के मुख्य आरोपी के रूप में शबनम और उसके प्रेमी सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और कोर्ट ने इसे, लोअर कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। अब जो सजा लोअर कोर्ट ने सुनाई वही हाई कोर्ट ने सुनाई, वही फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई। तो यही बात महक कह रही है कि जो लोअर कोर्ट के सबूत होते हैं, जो उसकी सजा होती है, वही ऊपर चलते रहते हैं, उसी को आधार माना जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है कोई चेंज होना चाहिए, वो ऐसी बात करती है। एनी हाउ, ये बदलाव की बात है, तो इस पे जो बदलाव करने वाले एजेंसीज होती हैं वो इस पे काम करती हैं। लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर है कि शबनम की फांसी में लगातार जो डिले हो रहा है, तो हो सकता है कि ये डिले न जाने कितने साल तक ऐसे ही डिले चलता रहे। आप आज जो मैंने शबनम की बात की, फिलहाल इतनी ही। फिर मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।